महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग उन तमाम लोगों को सर्च कर रहा है जिनके संपर्क में एसआई महिला थी। याद रहे एसआई महिला का भाई जो कि दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है, वह अपनी बहन से मिलने आया था। उसके बाद उनका सैंपल लिया गया और वह पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते उनकी बहन एसआई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। महिला के पॉजिटिव आने से समालखा थाना को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआई महिला पॉजिटिव मिलने से दो दिन पहले एक मामले में मुजरिम को लेकर सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए आई थी। उस मुजरिम को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। वही जिस डॉक्टर ने मेडिकल किया था उनका भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है और उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पानीपत में अगर देखा जाए तो ये जो 5 केस नए आए हैं ये पानीपत जिले के नहीं, ये सोनीपत जिले के कुबड़ू गाँव के जो गलोर के पास पड़ते हैं। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें से एक ये एसआई है, सुमलखा में पोस्टेड है, जो एक कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस का है उसकी सिस्टर है, और इसकी वजह से ये ही लेके आई थी इनको सबको टेस्ट कराने के लिए। और ये पांचों एक ही परिवार के थे, पांचों पॉजिटिव पाए गए, और इनको रिजल्ट आने के बाद इनको खानपुर कला में मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, क्योंकि ये थाना समालखा में काम करती थी, इसलिए जो नज़दीकी कॉन्टैक्ट्स थे उनकी हमने कल 22 लोगों की सैंपलिंग करवाई थी। इसके अलावा जो पुलिस पोस्ट पुलिस लाइन है उसके भी हमने दो महिलाओं की जो इसके नज़दीक थी उनकी भी कल सैंपलिंग करवाई थी। वही एसआई महिला समालखा के हॉस्पिटल में भी गई थी, वहां के भी डॉक्टर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। याद रहे पानीपत में अब तक दो दिन के अंदर 7 मामले सामने आने के बाद सभी को खानपुर रेफर कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग रणनीति के तहत उन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो एसआई महिला के संपर्क में आए थे। वही मुजरिम को भी पर्सनल बोर्ड पर बेल मिली है जिसको क्वारंटीन किया गया है। जिला कारागार पानीपत को सील किया गया है, वही पुलिस लाइन को भी सील कर दिया गया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए पुलिस विभाग में भय का माहौल है, जो निरंतर अपने परिवार को छोड़कर आप लोगों की सुरक्षा में दिन रात ड्यूटी पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।